नमस्कार, के पी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। भारत के खिलाफ रक्षा जारी होते ही नेपाल में इस्तीफों की चुनौती। राष्ट्रपति के सलाहकार के बाद डिप्टी पीएम ने भी छोड़ा पद। ना बुरके हिजाब की दिखी क्रिकेटर इरफान पठान के लिए, इस्लामी कट्टरपंथी करने लगे हल्ला, लिखा कुछ दिन बाद यह कपड़े भी नहीं पहने। इसराइल हमास वार, हमास लड़ाकों का है गाजा में मरने वालों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा, नेतन्याहू ने किया दावा। यूएसए कब्जाना चाहता था 20 साल का भारत, पोला में व्हाइट हाउस में घुसाया ट्रक, राष्ट्रपति की हत्या तक को था तैयार। हिजबुल्लाह चीफ ने दी नेतन्याहू को धमकी, ताजा युद्ध जारी रहा तो घर नहीं लौट पाएंगे विस्थापित इजरायली। अमेरिका ने किया किनारा, कारगिल के गुप्त मददगार के लिए भारत बना बड़ा सहारा, हरमेस ड्रोन के साथ होगी बमों की सप्लाई। मुस्लिम महिलाओं के नकाब हटा, हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता चेक करने लगी वोटर आई, वीडियो सामने आने के बाद मचा बवाल, दर्ज हुई FIR। अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट का दूसरा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन। यूपी गवर्नमेंट स्कूल के गेट पर हाथ बांधे खड़े रहे DM, गांव वालों ने बताई ऐसी बात, जिलाधिकारी को आ गया गुस्सा, दे दिया यह आदेश। हेमंत सोरेन, तब तक तो खत्म हो जाएंगे चुनाव, केजरीवाल का हवाला देकर सिब्बल ने सोरेन की मांग की जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील सुनते ही दे दी यह तारीख। बदतमीजी पर उतरे हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा को ड्रेसिंग रूम में मारने को हुए उतारे, भड़के खिलाड़ियों ने मैनेजमेंट से की शिकायत। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने माधवी लता का बचाव करते हुए कहा उन्हें किसी व्यक्ति की पहचान की जांच करने का अधिकार। हैदराबाद में 90% बूथों पर गड़बड़ी, मरे हुए लोगों के भी डले वोट, माधवी लता ने बताया क्यों पुरखा वालियों की उन्हें खुद करनी पड़ी पहचान, बवाल के बाद FIR। मुस्लिम महिला को ऑटो में बिठाने पर इस्लामी कट्टरपंथियों ने बुजुर्ग हिंदू ड्राइवर को पीटा, बुरके वाले से बोले नाम खराब कर रखा है। कर्नाटक में बिलाल तौसीफ इब्राहिम गिरफ्तार। पीएम मोदी नॉमिनेशन, पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने तेलंगाना और महाराष्ट्र से बनारस आए दो शख्स, दोनों करोड़ों की संपत्ति के मालिक। लोकसभा इलेक्शन झारखंड में बीजेपी को बड़ा झटका, जयंत सिन्हा के बेटे ने थामा है कांग्रेस का हाथ। खतरनाक बीमारी से जूझ रही शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता, सर्जरी से ठीक पहले अस्पताल के बिस्तर से नीचे तक। अमृतपाली दुबे की विद्या को यूट्यूबर पर देखने का सिलसिला तूफानी रफ्तार से जारी, माँ बाप के सपनों को पूरा करने वाली बेटी की है कहानी। 20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश की टीम का ऐलान, 2007 में युवराज कोहली के साथ खेलने वाला खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा। शाहरुख खान ने अहमदाबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ियों और स्टाफ से की मुलाकात, देखे वीडियो। बिजनेस में इतना ही, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। धन्यवाद।